उत्तर भारत ब्राह्मण प्रतिनिधि सभा द्वारा बगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी नजदीक लम्मा पिंड चौक जालंधर में श्रीकंठ शर्मा पंजाब अध्यक्ष की देखरेख में ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस समारोह में पंजाब भर से ब्राह्मण सभाओं के नेताओं ने भाग लिया और ब्राह्मण समुदाय को मजबूत करने के लिए अपने विचार प्रस्तुत किए। इस दौरान उत्तर भारत ब्राह्मण प्रतिनिधि सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत स्वरूप बिहारी शरण ने कहा कि ब्राह्मण समुदाय को मजबूत करने के लिए हमें राजनीतिक और पार्टी संबद्धता से ऊपर उठने की जरूरत है और हमें अपने बच्चों को सामाजिक के साथ साथ धार्मिक शिक्षा भी देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर भारत ब्राह्मण प्रतिनिधि सभा का गठन किया जाएगा। इस मौके पर गोपालनाथ भल्ला, रवीश शर्मा, नवनीत भारद्वाज, पंडित रवि शर्मा मोगा, हरिंद्रपाल शर्मा, मनु शर्मा जज, भगवान दास, रीटा एसडीओ, वीरेंद्र शर्मा, राहुल शर्मा, नरेश कपिल सहित पंजाब भर से सैकड़ों लोग शामिल हुए। इस अवसर पर श्रीकंठ शर्मा ने विशिष्ट गणमान्य व्यक्तियों को उपाधियां एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया। जालंधर से हलचल के लिए सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। मैं वीरेंद्र शर्मा, आज माँ बगलामुखी गुलमोहर सिटी धाम दे विच जिहड़ा ब्राह्मण समाज का सम्मेलन होया और इहदा पूरा धर्मदार जिहड़ा सी श्रीकंठ जज जी ने सारी इहदी अध्यक्षता की, सारा इहदा कीता और एक ब्राह्मण समाज नू एकजुट करन लई ते उपर चुकन लई उहनां दा जिहड़ा ए बहुत वधिया उपराला आ। और मैं चाहांगा कि इदां दे उपराले जे अगे भी हुंदे रहन ते साडा ब्राह्मण समाज हमेशा लई अगे आएगा और जिहड़ी एक दूसरे तो असी थोड़ा जिहा परे आ और इदां दे जिहड़े सम्मेलन आ उह सानूं नज़दीक लियाणगे और एकजुट हो के ये समाज जिहड़ा आ, क्योंकि ये समाज दे विच इकट्ठता दी थोड़ी कमी आ, जदों इकट्ठ हो गया ये किसी तों घट नहीं गा। और अज का सम्मेलन जिहड़ा बहुत वधिया होया ब्राह्मण समाज लई और मैं हमेशा चाहवागा कि इदा के सम्मेलन अगे भी पूरे भारत होंदे रहन। मैं धनवादी हाँ श्री गण जज जी का जिन्होंने अज ऑर्गनाइज किया। जय भगवान परशुराम महाराज जी की। अज मां बगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी जलंधर च समूह पंजाब वालों ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधि जिन्हें भी आए जलंधर आने से मैं उन्होंने बहुत बहुत धनवादी हाँ। इन्ना इकट्ठ मेरी सोच तो परे है कि मैं सोचा सी कि थोड़े जे अपने ब्राह्मण जिन्हां च जागृति नहीं है शायद नहीं आणगे, पर उन्होंने आ के जलंधर च अपना इन्ना इकट्ठ मलेरकोटले तूरी तो मोगे तो पठानकोट तो मकेरिया तो भवानीगढ़ तो बठिंडा तो गुरदासपुर तो तिब्बड़ तो छियाडे तो अमृतसर तो ममता दी पंडोरी तो गुरदासपुर तो इन्ने लोग आए जिन्होंने आके अज ब्राह्मण समाज में एक बहुत ही वड्डा संदेश दिता भी अज समाज के हिंदू धर्म को सनातन धर्म को बचाने वास्ते असी सारे इकट्ठे हाँ। जिते भी सारे एक दूजे किसी को भी किसी की लोड़ होगी तो आप सारे इकट्ठे हाँ। मैं जिन्हें भी सज्जन इतने आए थे उन्हों का तह दिलों धनवादी हाँ। डॉक्टर जोशी जी अज साडे च विराजमान होए ने जिन्होंने आके ब्राह्मण समाज को मोढ़े ना मोढ़े ला के चलन का, पंडित स्वरूप बिहारी जी मलेरकोटले तो स्पैशल आए ने, राष्ट्रीय प्रधान साढ़े नवजीत भारद्वाज जी अते और भी जिन्हें भी सज्जन जी ने ब्राह्मण समाज के साथ आए ने, मैं जलंधर आने से उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हाँ। तो जिते ब्राह्मणों नाल जां अदर किसी कास्ट नाल होएगा धक्का उत्थे जज जरूर पहुँचेगा पक्का। ये मैं अज एक नारा बनाया भी सारे कितने भी धक्का किसी ना होगा जरूर पहुँचांगे तो अपने समाज के जड़िया बैड कृतियाँ जी अपने समाज में अभी छड़ के दूजे धर्मों से जाने पे हाँ वो सारे कोशिश करा भी अपने धर्म ना जुड़े रहो। अपने धर्म तो उपर कोई नहीं है, दूजे पखंडा च जा के अपना धर्म का निरादर ना करो। एक हिंदू समाज सनातन धर्म च मंत्र उचारण से ही दम है कि तुम इतने बैठा विदेशों बैठा बंदा तुम अपने मंत्रा के नाल अपने कोल बुला सकते। मैं डॉक्टर मुकेश जोशी, जोशी हॉस्पिटल कपूरथला चौक जलंधर, ब्राह्मण समाज का बहुत आभारी हाँ। उन्होंने सानू सारिया नू एक मंच से इकट्ठे किया, परशुराम जी के आशीर्वाद नाल अज
माँ बगला मुखी मंदिर के हवन किया। इतने असं सारे ने शामिल होकर आशीर्वाद प्राप्त किया। ब्राह्मण समाज अगे तो दिन दुगनी तरक्की करे। तो अजक हालात कि एग्जिस्ट करना है दिमाग नाल अपने जोड़ नाल राजनीति नाल जिस तरह पहला सी माता रानी हुण फिर उसी तरह बख्श देगी। तो असी इस समाज के अपनी एग्जिस्टेंस बनावा ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਝਾਅ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਟ੍ਰਾਈਬੋਰ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਈਏ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਟ੍ਰਾਈਬੋਰ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਪਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਗੋਲਬੰਡਨ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਔਰ ਪੂਰੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਜੀ ਦੇ ਫਿਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆ ਉਹ ਪਿਛੜੀ ਜਾਤੀ ਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਪਿਛੜੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਾਈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆ ਪਿਛੜੀ ਜਾਤੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਡਬਾਲੀ ਬਠਿੰਡਾ ਹੋਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਕੀ ਭਲਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਲੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਦੇ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਕਾਲਜ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰੋ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ, ਮੇਰੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸੌਕੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਕਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਲੋਹੀ ਪਾ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆਪ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ